चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। यहाँ पे प्रूव दैट का सम है, तो यहाँ पे 8 की पावर -2/3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और उसकी पावर 3। 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 raised to 3, 2 into 2, 4 into 2 हो जाएगा 8 और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। यहाँ पे लिखा -2/3 into, अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो है वो एज इट इज लिख देते हैं अभी के लेवल पे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर क्या 2 और इनटू -5/4। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, डिवीजन में ये लिख देते हैं सीधा, तो हमारे लिए कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए। 2 की पावर हमें 5 लिखा इनटू -2/5। अब यहाँ ध्यान से समझना, 2 की पावर कई बच्चों को ये 32 की जगह, तो 2 into 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 35, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा 125 है, तो 5 की पावर 3 इंटू -1/5/6, √2 तो हमें प्रूव करना है। तो चलो अब इतना होते ही हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 3 कट, यहाँ पे 2 4 2 कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 5 कट और यहाँ पे 3 3 2। अब देखो क्या बचा, 2 की पावर -2 इंटू, ये जो है ना बच्चा इसको हम आंसर के तौर पे समझा ही देता हूँ तो क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमें समझ लो ये ऐसे दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे x 1/2, तो ये 1/2 है तो हम रूट का ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स हमें ये दिया हुआ है। सेम वे यहाँ की बात करें, 2 की पावर 1/2 है तो हम √2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की पावर -5, यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पे आगे चलते हैं, 2 की पावर -2, यहाँ पे 5 की पावर -5। अब ध्यान से देखो क्या कट हो सकता है, ऐसे देखोगे ना तो सब कट हो दिखेगा, एक ही कट हो रहा है, ये कट होगा इसके साथ, ये -5 की पावर -5 वो भी कट हो जाएगा, तो आंसर हमारा √2 आ जाएगा। है कंपैरेटिवली बहुत सिंपल स्टेप, प्रॉपर लिखना है, जल्दी नहीं करनी है, प्लस माइनस का अप्लाई करोगे आंसर तो आ ही जाएगा, तो प्रॉपर ये लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ, सर साइड में हट जाते हैं जिससे आप लिख पाओ।